फिरोजाबाद से बड़ी खबर एक्सक्लूसिव। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला की बड़ी कार्यवाही। एक दरोगा सहित तीन पुलिसकर्मी जेल भेजे। चोरों से चोरी हुए रुपयों को लेकर एस्कॉर्ट कर बॉर्डर पार कराया। थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 रुपये निकालने की घटना 15 अक्टूबर को हुई थी। डिलीवरी ऑटो से सामान बेचाता था दुकानों पर। डिलीवरी ऑटो से दो लड़कों ने चोरी कर निकाला था 1,10,000 रुपये। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी पूरी घटना। एसएसपी अशोक शुक्ल के आदेश पर पूरे जिले में चेकिंग कराई गई थी। चोरी करने वाले दोनों युवक पुलिस ने उसी दिन थाना सिरसागंज इलाके में पकड़े थे। फिरोजाबाद से हमारे देखिए संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, 15-10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान दुकान। वो अपना अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद दो लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। वो जो अपने घर जाता है, उसे देखता है तो पैसा नहीं था। वो आके रसूलपुर थाने में तहरीर देता है, मैंने उसका मुकदमा कायम कराया और हमने चेकिंग लगवा दिया पूरे जनपद में। उसने बताया था कुछ हुलिया इस तरह का, प्लस वो मैटर सीसीटीवी में डिटो क्लोज हो गया था। गाड़ी आती है, रुकती है, जाता है सामान देने, लड़के आते हैं, निकालते हैं, पूरा फोटो वोटो सब आ गया था। हमने उसको चेकिंग करवा दिया तुरंत ताबड़तोड़, और दोनों लड़कों की फोटो थी तो उससे आज वो दोनों लड़के पकड़ गए चोर। तो उनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इसमें पैसा दो, जो तुमने पैसा निकाला था, पैसे की रिकवरी करनी थी, वो उन्होंने बताया कि सब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले लिए थे। तो ये हुआ, दरोगा जी कैसे ले लिए? उसने बताया कि जब चेकिंग लगवाए थे आप लोग तो हम जा रहे थे करहल मैनपुरी, तो सिरसागंज में यशाई सुनील चंद, उनके दो साथी जो सिपाही थे और ड्राइवर, उन लोगों ने हमको रोका, हमारी बाइक को रोका, मुझे मेरी तलाशी ली, पैसे मिले। मुझसे पूछे पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि पैसे मैं कहीं पड़े पा गए थे, पड़े मिल गए थे। तो वो पैसा हमारा उन्होंने ले लिया और हमको 1,00,000 रुपये ले लिया। 4,000 रुपये हमको उन्होंने दिया तेल के लिए, खर्चे के लिए, और हमारी गाड़ी को, हमारी मोटरसाइकिल को, अपनी जीप पीछे पीछे चलाते हुए मुझको सिकोहाबाद पार करा दिए, सुरक्षित हमको बाहर निकाल दिए। ये सुन के बहुत तकलीफ हुई। मैंने टीम भेजी दरोगा जी के पास, मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से, और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की, पूरे 96,000 रुपये उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को, और जो ड्राइवर था बालकिशन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनको हमने निलंबित किया है, अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद है। दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत दुखद है कि जब रहबर ही रहजन बन जाएगा तो गुजारा नहीं होगा। मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, बेरहम कार्रवाई करूंगा और इनको सजा दिलाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा।